next topic is food from animal sources. Our country has the largest cattle population. हमारी जो देश है उसमें cattle population बहुत ज़्यादा है. We get milk from cattle. हमें cattle से milk मिलता है. Animals like buffaloes, cows, camels and goat gives us milk. जानवर जैसे buffalo, cow और camel, they provide us with milk. Animals that provide milk are called milch animals. Those animals, वो जानवर जो milk provide करते हैं उन्हें हम कहते हैं milch, M-I-L-C-H. Milch, the animals must be kept in proper shed and proper ventilation. जो cattle होता है उसको एक अच्छी जगह पे रखना चाहिए जहाँ का एटमोसफेयर जहाँ पे वेंटिलेशन हो ताकि जो कैटल है रिमेन्स हेल्दी. द काउस एनिमल्स एक्सेट्रा ऑल द एनिमल्स रिमेन हेल्दी. इफ द एनिमल्स विल रिमेन हेल्दी देन इट विल गिव मोर मिल्क. पोल्ट्री फार्मिंग द रेयरिंग ऑफ बर्ड्स लाइक चिकन एक्सेट्रा फॉर एग्स एंड मीट्स दिस इज कॉल्ड पोल्ट्री फार्मिंग. जैसे चिकन्स एक्सेट्रा वी नीड द एग्स एंड देयर मीट. All the birds which are kept for the poultry farming must get clean water. They should get a good atmosphere where ventilated air, where good quality air reaches them. They should also get nutritious food. Birds are also prone to several viruses. जो birds होती हैं वो virus बहुत जल्दी पकड़ लेती हैं. इसीलिए they should be vaccinated. उनको vaccine देना ज़रूरी हो जाता है. अगर वैक्सीन नहीं देंगे तो वो बीमार हो सकती हैं एंड देयर विल बी मोर चांस दैट दे डाई. और बहुत ज़्यादा चांस बढ़ जाएगी कि शायद वो मर भी जाएं. नेक्स्ट टॉपिक इज बर्ड फ्लू. सो बर्ड फ्लू इज अ वायरस दैट अफेक्ट्स बर्ड. एंड व्हाट हैपेंस व्हेन अ पर्सन विच कम्स इन द कॉन्टैक्ट विद दैट इन्फेक्टेड बर्ड इट ऑल्सो गेट इन्फेक्टेड. जब बर्ड्स कोई वायरस से अफेक्टेड होती हैं तो क्या होता है कि अगर कोई इंसान उसके पास चला जाए तो वो वायरस होते हैं बर्ड से इंसान में भी ट्रांसफर हो जाते हैं. सिम्टम्स ऑफ बर्ड फ्लू. बर्ड फ्लू के क्या सिम्टम्स होते हैं जैसे हेडेक हो गया, ब्रीदिंग प्रॉब्लम्स एंड चेस्ट पेन. द वेरियस प्रिकॉशंस विच आर टेकन टू अवॉइड द बर्ड फ्लू आर दैट द पर्सन मस्ट नॉट ईट अनकुक्ड फूड विच कम्स फ्रॉम द पोल्ट्री. जो पोल्ट्री से जो फूड आता है उसको कुक करके खाना चाहिए. नेक्स्ट स्टेप इज द किचन्स knives and the utensils must be washed which have came in contact with that uncooked meat. जब किसी के घर में आता है तो वो बर्तन में धोया जाता है. हमारा फर्ज बनता है कि हम जो utensils है जैसे knives फिर बर्तन हो गया उसको बहुत अच्छी तरह से धुल दें. Next topic is fish and other seafoods. So a large population of our country depends on fish food. Rearing of fish is also known as pisciculture. ठीक है, जो फिश जो लोग उसकी फिश के बिजनेस में जुड़े रहते हैं उनको हम कहते हैं पिसी कल्चर. नेक्स्ट टॉपिक इज एपीकल्चर. एपीकल्चर मीन्स दैट रेयरिंग ऑफ हनी बीज. व्हाट आर हनी बीज? मधुमक्खी. मधुमक्खी से हम लोग क्या निकालते हैं? हनी. वी यूज हनी इन वेरियस मेडिसिन्स. इवन द बीज वैक्स इज ऑल्सो यूज टू मेक वेरियस कॉस्मेटिक्स.